नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये HAL म्यूज़ियम का पार्ट 2 वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट जो है, ये जो नया एयरफोर्स में पायलट के लिए भर्ती होता है उसके लिए पहला इसको चलाने के लिए देता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, HP टी लिखा है। टी मतलब ट्रेनर है, HP मतलब हिंदुस्तान कुछ होगा, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, इधर लिखा भी नहीं है। तो ये है मिक 21 बाइसन, जो अभिनंदन ने चलाया था, सिंगल सीटर बाइसन, मिक 21 बाइसन। ये ओरिजिनली रशियन जहाज है। ये हाल ही में इसको रिटायर भी होने का टाइम हो गया है, क्योंकि इंडिया में राफेल आने वाला है, तो इस मिग 21 जितना है उसका सब रिप्लेस होगा। बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है ये मिग 21 बाइसन, सिंगल सीटर। ऐसे तो ये म्यूजियम देखने में बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही क्लीन करके रखा है। अच्छा अच्छा फ्लावर वगैरह यहाँ पे है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस जगह। यह नेवी वाला हेलीकॉप्टर बहुत ही बड़ा है ये। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ऊपर ये घूम रहा है, ये एक्चुअली जो मतलब सूरज का किरण से जो इलेक्ट्रिक पैदा होता है उसका एक डेमो दिखाया गया है। और एक जैसे घूम रहा है जो, वो है मतलब हवा से भी बिजली पैदा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, बहुत दूर पे हूँ मैं और अंदर जाने का अलाउड नहीं है। यह है हेलीकॉप्टर, ये रडर, सभी HAL का बनाया हुआ है, अपना स्वदेशी निर्मित रडर है ये। बच्चे लोगों का खेलने का पार्क भी यहाँ पे, जैसे कि देख पा रहे, ये वाला एक एयरक्राफ्ट है, ये प्राइवेट जैसा लग रहा है मेरे, तो ओरिजिनल है शायद, इंजन नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सब ओरिजिनल ही, जो बॉडी होता है ओरिजिनल है। देवो लिखा है, देवो देवन, इसमें सब कुछ लिखा है, कितना स्पीड जाता है, कितना रेंज है। पुराना एयरक्राफ्ट है इसीलिए शायद इसमें 1000 किलोमीटर कुछ रेंज लिखा था यहाँ पे। ये जो दिख रहा है पंखा जैसा, ये है इंजन है इसका, ये छोटा सा एयरबस से। ये है हंसा, जो पुराना एयरक्राफ्ट है उसका रेंज बहुत ही कम है, सभी 1000 किलोमीटर ही लिखा, और मैक्स स्पीड भी 400 कुछ लिखा था इसमें। मतलब एक या दो बंदे बैठ के जा सकते हैं, अच्छा छोटा छोटा एयरक्राफ्ट है शायद, ये सब जो पहली बार सीखता है एयरक्राफ्ट चलाने के लिए उन लोगों का है, और बहुत ही पुराना जमाने का है ये सब। ये भी एक पुराना जमाने का एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान टेनर लिखा है, हिंदुस्तान टेनर 2। ये लिखा है किरण, रेंज बहुत ही कम है इस सबका, 1000 किलोमीटर, पुराना शायद इसीलिए। इसमें भी शायद एक ही बंदे बैठ सकते हैं,
ये लगता है पुराना फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। ये है इंजन इसका पुराना जमाने का। ये जब इंजन जो देख रहे हैं सब इंडिया का डेवलप नहीं है। इंडिया का जो कावेरी वाला इंजन है वो अभी तक पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें कुछ कमी आया है। इसीलिए जो अपना स्वदेशी निर्मित एलसीए तेजस है, मतलब लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, उसमें जो अमेरिका का इंजन लगा हुआ है, बाकी सब स्वदेशी निर्मित है, लेकिन जो इंजन है वो जो अपना इंडिया में बनाने वाला है फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। कावेरी वाला इंजन उसको डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब इंजन बाहर से लेके आ रहा है। ये बहुत बड़ा सा राडार जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो PSLV रॉकेट है, ये जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये PSLV का जो रॉकेट है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शायद अभी किसी लोगों को पता भी होगा जो वर्ल्ड में 104 सेटेलाइट एक साथ छोड़ा गया था, PSLV वही रॉकेट है ये। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पार्क, पानी का जो समुंदर का मछली को इधर रखा हुआ है, बहुत सारा मछली यहाँ पे, देख के बहुत सुकून महसूस हो रहा है देख के। ये पूरा का पूरा समुंदर का मछली है, HN ने अच्छा मेंटेन करके रखा है, सभी पूरा साफ सुथरा पूरा देख पा रहे, बहुत सारा मछली है यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हर कलर का मछली है यहाँ पे, ऑरेंज ब्लैक। हर कोई मछली देखने लग गया है। पार्क भी बहुत ही बढ़िया पार्क है, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। तो ये है म्यूजियम का अंदर जो घर में है, इसमें भी पुराना वाला एयरक्राफ्ट है छोटा, यहाँ पे जो इंजन है। ये पैरासूट है, ये 1945 का जो है अमेरिकन मेटल टैंक शॉप 1945 लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा इंजन है, HL कुछ लिखा था। ये जो इंजन जैसे कि घूमता है वो दिखाने की कोशिश करें, सभी इंजन है पुराना, छोटा छोटा एयरक्राफ्ट भी है इसको डमी एयरक्राफ्ट। इसमें तो बहुत सारा पिस्टन है, इसको क्या बोल रहे हैं, टू व्हीलर तो वी ट्विन बोलते हैं इसको, कितना ट्विन है पता कितना पिस्टन है काउंट नहीं कर सकते। ये छोटा सा हेलीकॉप्टर जो ये यहाँ पे बनाते हैं HL में, हेलीकॉप्टर डिवीजन है, म्यूजियम के पास ही है। सभी इंजन है, सभी इंजन है, डमी पीछे है सब, छोटा छोटा एयरक्राफ्ट बना के रखा है इधर। यहाँ पे दीवार पे जो फोटो चिपका कर रखा है, जैसे 1966 या 28/11/1962 का जो एयरक्राफ्ट बना रहा था उस टाइम, उसका फोटो डाल के रखा हुआ है। बैशंत लिखा है इधर, सब इंजन है। तो ये रहा जो पैराशूट, शायद ये जो फाइटर जेट में जो पायलट बैठा रहता है वो इजेक्ट तो करता है जब कोई फाइटर जेट क्रैश होता है, उस टाइम शायद ये इस तरीके से वो बाहर निकल जाता होगा। एग्जैक्टली नहीं पता, इधर लिखा नहीं है, लेकिन शायद मेरे को वही लग रहा है जैसे फाइटर जेट क्रैश होता तो
पायलट इस तरफ से शायद इजिक करके बाहर आ जाता है। तो इतना ही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हाँ, आप ये चलाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और